मेरा दौरा परसों शाम से शुरू हुआ। मैं यहाँ पर कुछ केसेस जो पेंडिंग थे और स्टेट पुलिस उनका जवाब नहीं दे रही थी, हमारे बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद ऐसे कुछ 146 केसेस थे और 10 सुओ मोटो, जो कि हम अखबार से लेकर जो सीरियस केसेस होते हैं उन पे सुओ मोटो लेते हैं, ऐसे 10 केसेस थे। इनको लेकर डीजीपी से मिलना था, राज्य महिला आयोग से मिलना था, उनका कार्य प्रणाली देखनी थी। और आज एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे मैं गई। जब मैं डीजीपी से मिली, पहले मैं एक बता दूं कि जो एक उनका बोलने का अंदाज था, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कोई सजेशन लेने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये राज्य में पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ठीक हो गया है यहाँ पर, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप वास्तव में देखिए तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो काफ़ी सीरियस नेचर्स की होती हैं, और उसमें पुलिस का जो भूमिका होती है वो अधिकतर ये होती है कि उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दें और या हमें जवाब ना देना पड़े। इसी कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैं पहली बार नहीं आ रही हूँ, मेरे मेंबर्स भी कुछ कंप्लेंट्स को लेके आए थे और तभी वो जवाब लेके आए थे, इसीलिए 146 थी। उससे पहले बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, उनके कुछ के जवाब मेरे मेंबर्स लेके गए थे। ये जागृति इस क्षेत्र को देखती है, छत्तीसगढ़ को देखती है और यहाँ की कंप्लेंट्स लेती है, और इसने ये पाया कि यहाँ जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें घरेलू हिंसा में 498A लगा देते हैं, लेकिन यदि उस घरेलू हिंसा के दौरान उसका एबॉर्शन हो जाए, महिला का एबॉर्शन हो जाए, तो उसमें जो धारा लगनी चाहिए 315S, वो कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें क्रिमिनल वो आता है और उसको जेल में जाना पड़ता है, और घरेलू हिंसा में काउंसलिंग देनी पड़ती है, तो काउंसलिंग लेकर ज़्यादातर दोनों में बिना बात पे आप सुलह करा देते हैं, चाहे वो जेल में जाने लायक अपराध हो और सुलह करके भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस का काम कम होता है। दूसरी चीज़, जहाँ पर लॉ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की कुछ धाराएं होती हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराया जा सकता दो पार्टीज़ में, महिला अपराधों में, वहाँ पर भी पुलिस का रवैया होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाए। ये यहाँ के रीजन और यही इसी स्टेट की में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली इस स्टेट को देख रही है, तो यहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बार महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, लेकिन उन पर प्रेशर डाल के कि यदि ये कोर्ट में गया तो आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, इस डरा धमका कर पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ कराती है। ये किस प्रेशर से कराती है हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें यहाँ आने के बाद मेरे संज्ञान में आई, और वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लिकर सेल है वो ऑनलाइन कर दी गई, तो उसके बाद जबकि सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई, तो ये एक प्रॉमिस है। और इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, यदि पुरुष ज़्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। ये एक और चीज़ जो सामने आई यहाँ पर कि ड्रग्स का जो सेल है यहाँ पर बढ़ गया है, जबकि जब मैं डीजीपी से मिली और ये बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉरिडोर है जहाँ से जाता है ड्रग, दिस इज़ सो दैट मीन्स इट्स अ सेफ कॉरिडोर, इफ़ इट इज़ अ कॉरिडोर, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ सेल कम है, विच आई थिंक जो मेरे को यहाँ जनरली मेरे को बात करने को मिला, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ सेल भी बड़ा है और छोटे बच्चे यंगस्टर्स जो हैं उसका
और मुझे कई लोगों ने कहा पहले उड़ता पंजाब होता था, आजकल उड़ता छत्तीसगढ़ भी हो रहा है, ये स्थिति बनती जा रही है। तो इन बातों को भी मैंने डीजीपी से रखा और अब मुझे लगता है मैं जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखूंगी, क्योंकि समय की मजबूरी थी, मैं मिल नहीं सकी इस बार, अगली बार आई या मेरे मेंबर आए तो वो मिल के जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि क्राइम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो डेटा दिखा रहे हैं वो अपने कॉम्प्रोमाइज जो करा रहे हैं वो नहीं सकी इस बार, अगली बार आई या मेरे मेंबर आए तो वो मिल के जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि क्राइम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो डेटा दिखा रहे हैं वो अपने कॉम्प्रोमाइज जो करा रहे हैं वो नहीं बता रहे कि कितने केसेस में वो जहाँ कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं थी वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं और उसको डेटा गिन रहे हैं। लोकल वास्तविकता अलग है, मुझे इतनी बात करनी थी आप सबसे। सवाल है जी, ड्रग्स को लेकर कंप्लेंट करती हो, कितना सेल बढ़ा है, पहले कितना होता था ड्रग्स का, तमाम बातें आपने कही, सबने मैंने सुना है, मैंने मुझे बताया गया है, तो बताया गया है। ये मुझसे लोकल लोग कल से आके मिल रहे हैं, अगर आपकी जानकारी में, मैं कल सुबह से लेकर 10 बजे तक मिल रही थी और 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक लोकल महिलाओं से मिल रही थी, अलग अलग एनजीओज की महिलाएं आ रही थी मेरे पास मिलने और उन्हीं से मेरी बातचीत हुई। ये आपको हमारे कमीशन में स्टडी करके बता दिया जाएगा, मैं बता दूँ। आपने जो बातें कही है ड्रग्स को लेकर भी और महिला से संबंधित अपराधों को लेकर भी, जो आपने आंकड़ों की बात की है या धाराएं नहीं लग रही, क्या इस पर कोई आप लोगों ने सर्वे किया है, कोई मामले? ये हमारे पास जो मामले हैं उनकी स्टडी के बाद, क्योंकि ये तुम बता सकती हो। हाँ देखिए, जो हमारे पास में केसेस आते हैं, खास करके जो छत्तीसगढ़ मैं देखती हूँ, छत्तीसगढ़ तो उसमें जो केसेज आते हैं, पहले तो नंबर 1 पे होता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जो एट्रोसिटी बाय वो हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली की तरफ से की जाती है। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, अलग अलग तरीके के असॉल्ट, क्रुएलिटी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये इतना एग्रेवेटेड फॉर्म में होता है कि मिसकैरेज चीज़ें हो जाएंगी, फिर अगर उसकी बात लड़की ने नहीं मानी तो घर से निकाल दिया, तो ये सारे डिप्रिवेशन ऑफ वुमेन्स राइट है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है इस चीज़ से, एक स्पेशल लेजिस्लेशन भी बनाया, स्पेशल लेजिस्लेशन बना सकती है हमारी जो पार्लियामेंट है, बहुत सारे लेजिस्लेशन भी ले करके आई है, बहुत सारे स्टैट्यूट हैं, उसके बाद भी इतने लूप होल क्यों हो रहे? लूप होल यहाँ ये नहीं है कि लॉज नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो अथॉरिटी, जो पावर दी गई है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब जैसे मैम ने अभी बताया 498 तो यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन 315, 316 जो कि विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन अगर आप किसी का मिसकैरेज कराते हो तो वो पनिशेबल प्रोविजंस हैं। एंड अगर आप देखिए कंपाउंडेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग मैं थोड़ा बात करूँ, बिकॉज मैं थोड़ा मैम ने मुझे जैसा बताया कि मैं लीगल इश्यूज़ को लेकर के मैं देखती हूँ, तो सीआरपीसी का अगर सेक्शन 320 आप उठाएं तो उसमें क्लियरली प्रोवाइडेड है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट क्या हो सकती है, विद इन द कोर्ट क्या सेटलमेंट होती है, दैट मीन्स विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस जैसे रेप के ऑफेंसेस, ये एक ऐसा जो कि एक सोसाइटी को शॉक करता है कि हमारे स्टेट में ये क्या हो गया, और आप उस केस में कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कॉम्प्रोमाइज़ तो ठीक है, FIR, डिले इन लॉजिंग। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.